प्राथमिक शाला पाटोदा तालुका मंटा जिला जंगा मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया देश और विज्ञान को। चलो आओ हम सब मिलकर सलाम करते हैं एक सच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम को। डॉक्टर अब्दुल कलाम को तमिलनाडु से रामेश्वरम में जन्मे एक शख्स जो आगे चलकर वैज्ञानिक, संशोधक, शिक्षक और भारत के राष्ट्रपति बने और हम सबको प्रेरणा दे गए और उनके इस महान कार्य से सबके लिए एक मिसाल बन गए, एक मिसाल बन गए और भारत रत्न जैसे कई किताब हासिल किए। मुश्किल चाहे लाख आ जाए समुद्र में, चाहे सैलाब आ जाए, मुश्किल चाहे लाख आ जाए समुद्र में, चाहे सैलाब आ जाए, पर जो बेफिक्र उड़ने वाला परिंदा है उसी के दिल में आज कलाम जिंदा है, उसी के दिल में आज कलाम जिंदा है। 1963 में इसरो के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सैटेलाइट लॉन्चिंग के प्रकल्प में उन्होंने बहुत बार नाकामयाबी पाई और उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और 1989 को अग्नि की उड़ान हुई और उनके इस महान कार्य से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारत, हमारे देश को मिसाइल संपन्न रूप में एक जगह दिलाई। इसीलिए वे हमेशा कहते थे कठिनाइयां हमेशा बर्बाद करने के लिए नहीं आती है तो वो हमारे अंदर छुपे सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है, हमारी मदद करती है। इसीलिए कठिनाइयों को ये जानने दो कि हम उनसे भी ज्यादा कठिन है। 2002 से 2007 तक कलाम हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। भारतीय युवा पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक राष्ट्रपति थे। अगर हम सबको कलाम जैसे बनना है तो कलाम जैसे विचार होना बहुत जरूरी है। हासिल करने की तैयारी और लड़ने की ताकत जरूरी है, तभी हम हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे विचार आत्मसात कर सकते हैं। 27 जुलाई 2015 को हमारे भारत का एक अनमोल सितारा हमको छोड़ के चला गया। आधुनिक भारत के भगवान चले गए, इस देश के असली स्वाभिमान चले गए, एक साथ गीता और कुरान चले गए, मानवता की प्रतिष्ठान चले गए, हमारे प्यारे अब्दुल कलाम चले गए, अब्दुल कलाम चले गए। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम आ सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम आ सकता है। अगर दिल में हो आग, हो अगर दिल में हो आग, हौसला हो बुलंद, तो एक अखबार बेचने वाला भी राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। वैज्ञानिक कमाल थे, विद्वता की पहचान थे, वैज्ञानिक कमाल थे, विद्वता की पहचान थे। राष्ट्रपति महान थे, वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। जाते जाते इतना ही कहूंगा, कलाम को दिल से सलाम करता हूँ, कलाम को दिल से सलाम करता हूँ, उनके इस महान कार्य से उनको प्रणाम करता हूँ।